गैस इन सिलेंडर इज एट अ प्रेशर पी, जो शुरुआत में वो जो गैस है सिलेंडर में उसका प्रेशर पी है। इफ द मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड 1/3 ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे उसके मास में, किसके मास में, तो मॉलिक्यूल के मास को हम कितना कर देंगे, 1/3 कर देंगे। नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, जो उसका मास होगा 1/3 हो जाएगा ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू। एंड देयर स्पीड्स आर डबल्ड, उनकी स्पीड को बढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, तो उनकी स्पीड जो होगी, वो जो स्पीड कर रहे हैं हम लोग, आर डबल्ड, डबल कर देंगे। अब जब उस कंडीशन, जब ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा फाइनल रिजल्टेंट प्रेशर, ठीक है, हमें ये पता करना होगा। सो एज कंपेयर टू, हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो जो हमारा रिजल्टेंट प्रेशर होगा वो आंसर में कोई नंबर नहीं होगा, वो ये हमारे पहले जितना प्रेशर था उसी का आइदर डबल, ट्रिपल या 1/3 या 1/4 ऐसा कोई हमारा आंसर होगा इसी प्रेशर के कंपैरिजन पे। इसको समझने के लिए हम सिंपली पहले क्या करेंगे, हमारे पास देख सकते हैं दो कंडीशन है। पहले हमारे पास एक सिलेंडर था, ठीक है, सो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ ये हमारा पहला सिलेंडर था। इस सिलेंडर का सर्टेन प्रेशर था जिसे मैं पी मान लेता हूँ, ठीक है, और ये केस जो मैं नोटिस कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको पी बोलता हूँ। सेकेंडली मैं यहाँ पर एक और, यही सिलेंडर है जिसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ, यही सिलेंडर है, सिलेंडर चेंज नहीं हुआ है, यही सिलेंडर है जिसका पहले प्रेशर पी था, लेकिन जब हम लोगों ने उसका मास, मॉलिक्यूल का मास चेंज किया एंड एट द सेम टाइम हमने उसकी स्पीड चेंज की, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। सो वैसा ही अब करस्पॉन्डिंग प्रेशर जो होगा उसे हम मानेंगे P1। अब इस करस्पॉन्डिंग प्रेशर के केस में हमें क्या क्या बताया गया, हमें यहाँ पर पहले हम नोटिस कर लेते हैं कि जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है वो निकाला जाता है बाय फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ एन बाई वी एम वी स्क्वायर। 1/3 ऑफ एन यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई वी वॉल्यूम इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। जो स्मॉल वी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये वेलोसिटी है और ये कैपिटल वी है जिसका नाम है वॉल्यूम। अब नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों केस में हमारे वही सिलेंडर हैं, तो दोनों केस पे जो हमारा वी है, ठीक है, वी और वी वन असल में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एट द सेम टाइम नंबर ऑफ पार्टिकल बदले नहीं गए, ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स का जितने पार्टिकल्स पहले थे उतने ही पार्टिकल्स बाद में भी हैं। सो ऑन दैट केसेस एन, पहले पार्टिकल में, पहले केस में जितने पार्टिकल थे वो एन, और सेकेंड केस में जितने पार्टिकल होंगे उसे हम क्या मानेंगे, N1, और दोनों क्या है, इक्वल। साथ ही साथ समझ सकते हैं यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उसका जो मास पहले क्या था, एम, और बाद में हमने उसका मास चेंज किया, कितना मास कर दिया, पहले जो ओरिजिनल मास का कितना, 1/3, 1/3 समझ सकते हैं हम लोग, दैट इज 1/3, ठीक है, जो पहले का मास था, ये कौन सा मास है, पहले का मास, ठीक है, एम, और जो बाद में मास हो गया वो कितना हो गया, 1/3। सो पहले का मास तो एम एम है हमारा, ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे हम इसको, पहले का मास हम क्या अज्यूम करेंगे, एम, और सेकेंडली जो मास है वो कितना है, M1, जो कि इक्वल है, मास वन जो कितना है पहले के मास के मुकाबले, 1/3, तो M1 के मुका जो M1 है वो M का कितना है, 1/3 है, उसे हम इस तरीके से मेंशन करेंगे मास को, ठीक है। और पहली जो स्पीड थी, ओरिजिनल स्पीड क्या थी, V थी, और बाद में वो स्पीड कितनी कर दी गई है, जिस स्पीड से डबल्ड, यानी उसकी स्पीड दोगुना हो गई है। सो फाइनली अब हमारी स्पीड जो है वो V1 है, और वो कितनी है, पहले की स्पीड के मुकाबले डबल है। सो इस तरीके से जो टर्म्स बदल गए हैं उनको हम फाइंड आउट करके यहाँ पर ला पाए। अब क्या करना होगा हमें कि यहाँ पर हम इनको ही यूज करेंगे, और जो प्रेशर है, जो चेंज हुआ है, उसको हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अभी हमें कंपैरिजन करना है दोनों प्रेशर का, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले पी लिखूंगा, मैं, ठीक है, पी लिखूंगा, और पी इक्वल्स टू क्या होगा, मैं इस फॉर्मूले से नोटिस कर सकता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस कम पड़ रही है, ओके, इसको आप नीचे लिखोगे। सो पी जो होगा, पी विल बी इक्वल्स टू, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम एज इट इज ही कॉपी कर पाएंगे, 1/3 एन बाई वी एम वी स्क्वायर, ओके। और पी वन क्या लिख सकते हैं, पी वन इज इक्वल्स टू 1/3, तो बदलेगा नहीं, N1 नहीं लिखेंगे क्योंकि जितना पहले पार्टिकल था उतना ही बाद में था, चाहो तो लिख भी दो कोई, लेकिन मतलब नहीं है, चलो ठीक है, फिर हम इस टाइम लिख देते हैं और बाद में इन्हीं को रिप्लेस करेंगे। सो V1 होगा, यहाँ पे मास क्या होगा, M1 होगा, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, V1 का स्क्वायर होगी, ठीक है।
अब नोटिस कर सकते हैं पी वन इक्वल्स टू 1/3 ऑफ एन वन किसके बराबर है, आप नोटिस कर सकते हैं पहले और बाद में तो पार्टिकल्स तो सेम ही रहे, तो एन वन एन के ही बराबर है, मैं वही लिख दूंगा। वी वन वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ, तो वी वन और वी बी क्या है, सेम ही है, तो मैं वो वी लिख देता हूँ। लेकिन एम वन क्या सेम है क्या? नहीं, एम वन सेम नहीं है, एम वन एम के बराबर नहीं है, एम वन 1/3 ऑफ एम है, क्योंकि जो ओरिजिनल मास था उसका 1/3 हो गया है। सो एम वन की जगह पे आएगा 1/3 m। एट द सेम वे वेलोसिटी को भी नोटिस कर सकते हैं, जो वेलोसिटी है पहले वेलोसिटी वी वन थी, लेकिन अब वेलोसिटी कितनी हो गई, वी वन की वेलोसिटी पहले की वेलोसिटी वी के मुकाबले डबल हो गई, तो वी वन ट्वाइस ऑफ वी है, तो हम वी वन की जगह पे पुट कर सकते हैं 2v² सो अब अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें यहीं पर, सो हमें यहाँ पे मिलेगा पी वन इक्वल्स टू 1/3 ऑफ एन बाई वी। सो इस 3 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे 3 3 9, ठीक है, और यहाँ पे एम एज इट इज हो गया, और 2v² देख सकते हैं यहाँ पे 2v² 2v² मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 और v का स्क्वायर v² ठीक है, इंटू 4 इंटू v² हम ऐसा लिख सकते हैं। देन पी वन इज इक्वल्स टू 1/9, इसको 4 को भी आगे ले लिया हम यहाँ पर, सो 4/9 एन बाई वी m v² सो ये हमारा फाइनली प्रेशर इतना होगा। अब इस प्रेशर को कंपेयर कर लेते हैं हमारे पहले वाले प्रेशर से, इसे मैं 1 बोल देता हूँ और इसे मैं 2 बोल देता हूँ। सो यहाँ पर मैं डिवीजन करूंगा 2/1 का, 1/2 का नहीं करूंगा, मैं 2 को डिवाइड करूंगा 1 से, ठीक है, 2/1। सो सिमिलरली सिंपल बोलना चाहता हूँ, मैं 2 को मैं ऊपर रखूंगा, जो पी वन है सेकेंड वाला उसको ऊपर, सो पी वन अपॉन पी करूंगा मैं, तो पी वन की वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रही है वो कितनी है, 4/9 मल्टीप्लाइड बाय, ओके इसको मैं थोड़ा फ्रैक्शन फॉर्म में बड़ा लिख देता हूँ, सो 4 n m v² डिवाइडेड बाय 9 v होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे p आएगा, p क्या है वहाँ पर, सो p हम नोटिस कर सकते हैं हमारा p क्या है, सिंपल से यहाँ पे देख सकते हैं 1/3 1/3 ठीक है, 1/3 n/v m v² सो यहाँ पे मैंने प्रेशर का रेशियो लिख दिया है। सो अब हम यहाँ पे करेंगे सिंपल कटअप, जो कट हो रहा है उसे काट देंगे, देखो यहाँ पर वी कैंसिल, यहाँ पर एन कैंसिल, यहाँ पे मास कैंसिल, ये सेम वेलोसिटी भी क्या हो गई कैंसिल। सो अब हमारे पास क्या बचा है, पी वन अपॉन पी इज इक्वल्स टू 4/9 डिवाइड बाई 1/3, सो पी वन अपॉन पी इज इक्वल्स टू 4/9 को नीचे रखेंगे और 3 का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 9 कहाँ जाएगा, नीचे, सो 3 गया ऊपर, सो 3 1 जा और 3 3 जा, सो पी वन अपॉन पी इक्वल्स टू मिला हमें 4/3, और अब हमें यहाँ पर पी मिलेगा जा पी वन मिलेगा जाके 4/3 टाइम्स ऑफ पी। सो फाइनली जो हमारा प्रेशर होगा ये सब कंडीशन चेंज करने से, वो हमारे पहले के प्रेशर पी का 4/3 या 4/3 बोल सकते हैं हम लोग, उतना हो जाएगा। सो द रिजल्टेंट प्रेशर इज, द रिजल्टेंट प्रेशर इज 4/3 ऑफ पी।